Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English language. Chapter number 2 The Sentence. This is part 1 of this video and it is on page number 3. So, let's start the chapter. Chapter number what? Chapter number 2. And what is the chapter name? Chapter name is the sentence. So, first of all, we need to understand that what is sentence. सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है यह समझने की आवश्यकता है कि सेंटेंस होता क्या है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस मीन्स एक शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो मीनिंग हो सेंस हो उसे हम क्या कहेंगे सेंटेंस मीन्स शब्दों का एक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सेंटेंस या फिर वाक्य कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड सो हाउ मैनी वर्ड्स इन दिस सेंटेंस देयर आर टोटल फाइव वर्ड्स इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट वर्ड इज आई एम सेकेंड इज स्टूडेंट थर्ड इज ऑफ फोर्थ इज क्लास एंड फिफ्थ वन इज थर्ड सो देयर आर टोटल फाइव वर्ड्स इन दिस सेंटेंस एंड वाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इट्स मीन मैं कक्षा तीन का छात्र हूँ सेंटेंस क्या है फाइव वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका एक मीनिंग है कि मैं कक्षा तीन का छात्र हूं तो हम इसे क्या कहेंगे वी कॉल्ड इट द सेंटेंस इसे हम सेंटेंस कहेंगे सो लेट स्टार्ट इट रिवाइंड टिक राइट दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस मीन्स आपको राइट का टिक लगाना है उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर जो कंप्लीट सेंस या फिर एक कंप्लीट मीनिंग बता रहे हों सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ शहनाज गॉट अप एट एट शहनाज आठ बजे उठ गई सो दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस यू कैन सी सो आई विल पुट अ राइट मार्क हियर। सेकेंड वन इज़ लेट फॉर स्कूल शहनाज स्कूल के लिए देर से शहनाज डज इट हैव अनिंग अंस नो इट हैज़ नो सेंस इसका कोई भी सेंस नहीं है थर्ड वन इज़ मिसड बस छूटी बस इट हैज़ ऑल्सो नो सेंस इसके इसका भी कोई सेंस या मीनिंग नहीं है छूटी बस वॉड मिस्ड बस वॉड फोर्थ वन इज शहनाज वेंट टू स्कूल बाय बस शहनाज बस से स्कूल गई सो डज इट हैव अ मीनिंग सेंस यस इट हैज अ मीनिंग अ सेंस की शहनाज बस से स्कूल गई सो आई विल पुट राइट मार्क हेयर फिफ्थ वन इज शी एट अ चॉकलेट केक उसने एक चॉकलेट केक खाया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका भी एक कंप्लीट सेंस है कि उसने चॉकलेट केक खाया सो आई वी पुट अ राइट मार्क हेयर ऑल्सो प्लेट आफ्टरनून दोपहर खेला प्लेट आफ्टरनून वॉट डज इट हैव अ मीनिंग अ सेंस नो इट हैज नो सेंस सेवेंथ वन इज नाइट एट रात को नाइट एट वॉट इट हैज़ ऑल्सो No sense. Eighth one is evening on. Sham ko. Evening on what? This is also not a complete sense. This is not a complete sentence. On so. Ninth one is she slept at nine. Vehen baje so gai. So.

आर सेंटेंसेस बिकॉज दे हैव अ कंप्लीट मीनिंग मीन्स फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एंड नाइन्थ क्या है सेंटेंस हैं क्योंकि इनके क्या हैं कंप्लीट मीनिंग है पूरे मीनिंग है ये बताते हैं कंप्लीट इनका सेंस है तो इन्हें हम क्या कहेंगे सेंटेंस कहेंगे अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ अरेंज सो अस टू मेक कंप्लीट सेंस एज आई टोल्ड यू दैट सेंटेंस क्या होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक कंप्लीट सेंस होता है कंप्लीट मीनिंग होता है मीन्स वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है कंप्लीट मीनिंग होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं अ सेंटेंस ऑलवेज बिगन विद कैपिटल लेटर जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं अज यू कैन सी इन फर्स्ट सेंटेंस शहनाज इज़ स्टार्ट विथ कैपिटल एस इन फोर्थ शहनाज इज़ स्टार्ट विथ कैपिटल एस एंड फिफ्थ में भी ऐसे ही है एस कैपिटल है देन नाइन्थ हमारा सेंटेंस है तो इसमें भी एस कैपिटल है तो सेंटेंस हमेशा किस से स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं समटाइम्स अ सेंटेंस मे कंटेन ओनली वन वर्ड एंड स्टिल मेक कंप्लीट सेंस कभी कभी सेंटेंस में कभी कभी सेंटेंस में एक ही वर्ड होता है फिर भी वो क्या करते हैं एक कंप्लीट सेंस बताते हैं फॉर एग्जाम्पल नो नहीं यस yes, हाँ ओके okay, ठीक है मीन्स कभी कभी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ड होता है बट वो वर्ड फिर भी एक कंप्लीट सेंस बताता है एक कंप्लीट मीनिंग बताता है जैसा कि किसी को नो no में आंसर दीजिए तो ये क्या है एक कंप्लीट सेंस है देन यस yes में आंसर दीजिए ये भी क्या है एक कंप्लीट सेंस है एंड ओके मीन्स किसी को बोलेंगे हम ठीक है ओके okay. तो ये भी क्या हुआ कंप्लीट सेंटेंस हुआ सो so, आपने समझा कि सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसे हम क्या कहेंगे सेंटेंस कहेंगे हमेशा सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं कभी भी वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं देन थर्ड इज़ कि सेंटेंस कभी कभी एक वर्ड के भी होते हैं एक वर्ड में होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है सेंस होता है वो कंप्लीट होता है तो उसे भी हम सेंटेंस ही कहेंगे कभी कभी एक ही वर्ड में होते हैं जैसे यस नो ओके एक्सेट्रा सो आई होप यू अंडरस्टूड इट सो दो सो द एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू